नमस्कार, मैं हूँ प्रिया। आज है 15 नवंबर। आइए जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों को। राज्यपाल ने विश्वविद्यालयों को दी अहम सूचना। राज्यपाल फागू चौहान ने विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को निर्देश दिया है कि लंबित परीक्षाओं को हर हाल में जून 2020 तक खत्म कर दी जाए। साथ ही साथ सभी विश्वविद्यालय शैक्षणिक सत्र और परीक्षा कैलेंडर को पूर्ण रूप से अनुपालन करें। इसके अलावा सभी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में UGC के प्रावधान के अनुरूप शिक्षकों को रोज 5 घंटे और सप्ताह में 40 घंटे की उपस्थिति को सुनिश्चित करवाएं। सिपाही बनने वालों की भीड़ बढ़ी। बिहार पुलिस में सिपाही बनने वालों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि महज 11,880 पदों के लिए 13 लाख से ज्यादा युवाओं ने आवेदन भरा है। अभी आवेदनों की स्क्रूटिनी का काम चल रहा है। गलत होने पर आवेदन रद्द कर दिए जाएंगे। इसकी संख्या बहुत कम रहने की उम्मीद नहीं है। आपको बता दें, केंद्रीय चयन परिषद ने बिहार पुलिस, बिहार सैन्य पुलिस, विशेषकृत इंडियन रिजर्व वाहिनी, रिजर्व वाहिनी, बिहार राज्य औद्योगिक सुरक्षा वाहिनी में खाली पड़े सिपाही के पदों को भरने के लिए रिक्तियां निकाली थी। टीवी की ये मशहूर अदाकारा जिनका जन्म बिहार में हुआ था। आज हम बात करेंगे एक ऐसी टीवी अदाकारा का जो कि वैसे तो टीवी की दुनिया में छाई हुई है मगर जिनका जुड़ाव बिहार की धरती से है। श्रुति झा, जो इन दिनों टीवी के मशहूर शो कुमकुम भाग्य में नजर आ रही हैं। श्रुति का जन्म 25 फरवरी 1986 को बिहार के बेगूसराय जिले में हुआ था। आपको बता दें, श्रुति ने जिया जले, दिल से दी दुआ, सौभाग्यवती भव जैसे नामी टीवी सीरियल्स में काम किया हुआ है। बिहार के रवि को मिला ब्रिक्स इनोवेटिव अवार्ड। पश्चिम चंपारण के एक छोटे से गांव हरसरी के युवा रवि प्रकाश ने दुनिया में भारत का सिर ऊंचा किया है। रवि प्रकाश ने $25,000 यानी कि करीब 18 लाख रुपए का ब्रिक्स यूथ इनोवेटिव अवार्ड जीता है। ICAR नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट बेंगलुरु के PhD छात्र रवि को यह पुरस्कार कच्चे दूध को अत्यधिक ठंडा करने वाले स्वदेशी तकनीक के आविष्कार के लिए मिला है। अब मात्र 6 दिनों में बन जाएगा आपका जन्म प्रमाण पत्र। आम नागरिकों के लिए अहम सूचना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि जल्द ही जन्म प्रमाण पत्र प्रदान करने का लोक सेवा का अधिकार अधिनियम के दायरे में लाया जाएगा, जिसके तहत अब जन्म प्रमाण पत्र आवेदन करने के 6 दिन के अंदर मुहैया करवा दिया जाएगा। पूर्व मंत्री अजय कुमार ने की केंद्र सरकार से मांग। बेरोजगारों की संख्या को देखते हुए पूर्व मंत्री अजय कुमार ने केंद्र सरकार को सचेत किया है। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार देश के बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार का अवसर पैदा करे, नहीं तो उन्हें 5,000 रुपया प्रतिमा बेरोजगारी भत्ता दे। युवा वर्ग हमारे राष्ट्र के अमूल्य धरोहर है। इनके शक्ति और योग्यता की हिफाजत करने की पूरी जिम्मेदारी सरकार की है। यदि सरकार ऐसा नहीं करती है तो युवा शक्ति कमजोर होगा और राष्ट्र कमजोर हो जाएगा। इस बार KBC के मंच पर 3 बिहारियों ने रचा इतिहास। सोनी टीवी पर प्रसारित कौन बनेगा करोड़पति के 11वें सीजन में बिहार के लोगों का ही दमखम दिखा है, क्योंकि इस सीजन में बिहार के 3 प्रतिभागियों ने 1 करोड़ की इनाम राशि जीती है। इस बार के सीजन में सरोज राज, गौतम कुमार झा और अजीत कुमार ने बिहार का मान सम्मान बढ़ाया है। इनकी जीत से हर एक बिहारवासी को इन तीनों पर गर्व है। शादी सीजन आते आते सराफा बाजार में दिखने लगी रौनक। कार्तिक मास खत्म होने के बाद शादी के सीजन की रौनक लौटने लगी है। शादी वाले घर अपने अपने स्तर से आवश्यक सामग्रियों की खरीदारी में जुट चुके हैं। वहीं शादियों के सीजन में सबसे ज्यादा मांग आभूषणों की होती है। पिछले 4 माह की मंदी के बाद लगन के दिन आने का इंतजार न जाने आभूषण व्यवसायी कितने लंबे समय से करते आ रहे हैं। लगन को लेकर आभूषण व्यवसायी लेटेस्ट डिजाइन के गहनों से दुकान को सजाने में जुट गए हैं। सालों भर फल्गु नदी रहेगा लबालब। हाल ही में बिहार कैबिनेट का आयोजन किया गया था, जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने की। ज्ञात हो, बिहार कैबिनेट की बैठक में कुल मिलाकर 7 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई थी, जिसमें से फल्गु नदी पर बड़ा निर्णय लिया गया है, जिसके तहत अब फल्गु नदी को सरकार साल भर लबालब रखने की योजना पर काम करेगी। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि गया की फल्गु नदी बिहार ही नहीं देश विदेश के लिए काफी अहमियत रखती है। खासकर पिंडदान के समय इसका महत्व और ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि लोग सालों भर यहाँ पिंडदान करने आते हैं। मशहूर गणितज्ञ वशिष्ठ नारायण सिंह ने दुनिया को कह दिया अलविदा। जाने माने मशहूर गणितज्ञ वशिष्ठ नारायण सिंह अब हमारे बीच नहीं रहे। वशिष्ठ नारायण सिंह की गिनती बिहार के मशहूर हस्तियों में की जाती है, और हो भी क्यों ना, वो वशिष्ठ नारायण ही थे जिन्होंने कभी आइंस्टाइन को खुलेआम चुनौती दी थी। उनके गुजर जाने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी संवेदना व्यक्त की है। वहीं हम प्रमुख जीतन राम मांझी ने वशिष्ठ नारायण सिंह के जाने को अपूर्णीय क्षति बताया है। जल जमाव के बाद होश में आई सरकार। हाल ही में बारिश के कारण हुए जलजमाव से नगर विकास विभाग होश में आ गई है, जिसके पश्चात अब राज्य के दर्जन भर से अधिक शहरों के लिए नए सिरे से जल निकासी की योजना तैयार की गई है। साथ ही बड़े नालों के लिए शहरों को प्रस्ताव
तैयार कर नगर विकास विभाग को भेजे जाने को कहा गया है। वहीं छोटी नालियों को सात निश्चय योजना के तहत पक्का निर्माण कराया जा रहा है। आपको बता दें यह योजना पहले सहरसा, सासाराम, मधुबनी, सुपौल, छपरा, दरभंगा और फुलवारी शरीफ में लागू की जाएगी, उसके बाद धीरे धीरे बाकी जगहों पर भी। वहीं आरा, कटिहार, पूर्णिया एवं मधेपुरा में जल जमाव की समस्या को दूर करने के लिए जल निकासी के लिए बुडको ने प्रस्ताव पेश किया है। अब बिहार में भी जोरों शोरों से होने लगी है स्ट्रॉबेरी की खेती। बिहार के कुटुंबा के चिल्हे के बिघा गांव में स्ट्रॉबेरी की खेती की लहर पूरे प्रदेश में फैलने लगी है। ब्रजकिशोर मेहता ने 3 साल पहले जो स्ट्रॉबेरी की खेती की शुरुआत की, अब जिले व बिहार के कई स्थानों पर लहलहाता दिखाई देने लगा है। स्ट्रॉबेरी के इस बढ़ते खेती की जांच पड़ताल करने जिले के पूर्व SP विवेक राज व उद्यान निदेशक के साथ कृषि विभाग के अधिकारी चिल्हे के बिघा गांव पहुंचे, जिसके पश्चात वो जिले के पूर्व SP विवेक राज सिंह, उद्यान निदेशक नंद किशोर, DHO ज्ञानचंद के साथ स्ट्रॉबेरी खेत का दौरा करने पहुंचे। भोजपुरी के विकास से ही हिंदी होगी विकसित। उक्त बातें दिल्ली में आयोजित भोजपुरी लिटरेचर फेस्टिवल में कही गई है, जहां देश भर से आए वक्ताओं ने अपनी अपनी बात रखी। इस कार्यक्रम का आयोजन भोजपुरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया की ओर से किया गया था। आयोजित कार्यक्रम में देश भर के भोजपुरी साहित्यकार, पत्रकार, लेखक, अभिनेता शामिल हुए। वहीं कार्यक्रम में शामिल अजीत दुबे ने कहा कि भोजपुरिया स्वभाव से राष्ट्रवादी लोग आते हैं, अब वक्त आ गया है कि इसको 8वीं अनुसूची में जगह मिले। क्षेत्रीय भाषा की मजबूती ही हिंदी को और ज्यादा मजबूत बनाएगी। बिहार में शक्कर का उत्पादन हो रहा है जोरों शोरों से। बिहार में साल 2018-19 के गन्ना पेराई सत्र में शक्कर का रिकॉर्ड 8.4 लाख मीट्रिक टन यानी कि 84.02 लाख क्विंटल उत्पादन हुआ है, जो कि 2017-18 की तुलना में 1.3 लाख मीट्रिक टन ज्यादा है। मगर जानकारों के मुताबिक सत्र 2019-20 में शक्कर के उत्पादन में आंशिक कमी आ सकती है। निजी स्कूलों पर नकेल कसने को सरकार है तैयार। राजधानी पटना के निजी स्कूलों की फीस में हो रही फेरबदल का कोई भी प्रमाण अभी तक पेश नहीं कर पाई है। महज एक दर्जन स्कूल ने ही अभी तक इसका सबूत दिया है, जिसके पश्चात क्षेत्रीय उपनिदेशक सुरेंद्र प्रसाद ने सभी स्कूलों को पत्र लिखकर आज तक सबूत पेश करने का आखिरी मौका दिया है। आपको बता दें क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक ने सभी निजी स्कूलों को पिछले सत्र में बढ़ी फीस से संबंधित जानकारी सबूत के साथ पेश करने का निर्देश दिया था। मिड डे मील की मांग अब की जा रही है कॉलेजों में भी। कॉलेज से विश्वविद्यालय में शिक्षकों के साथ घंटे काम करने के फैसले से कॉलेज परिसर में चिंता का माहौल बना हुआ है। इस सिलसिले में PG टीचर्स एसोसिएशन ने शिक्षकों की बैठक बुलाई है। विश्वविद्यालय के जुलॉजी विभाग में यह बैठक होगी, जिसमें विचार विमर्श और अगली रणनीति पर फैसला लिया जाएगा। कुछ शिक्षक जहां ये कह रहे हैं कि उन्हें 7 घंटे ड्यूटी से गुरेज नहीं है, जबकि कुछ शिक्षकों का कहना है कि इतने घंटे क्लास या विभाग में डटे रहने के लिए मिड डे मील का इंतजाम करवाया जाना अनिवार्य होना चाहिए। झारखंड में मुख्यमंत्री संग दिखेंगे प्रशांत किशोर। झारखंड विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सभी राजनीतिक दलों ने स्टार प्रचारकों की घोषणा कर दी है। इसी क्रम में JDU के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर CM नीतीश के साथ झारखंड में चुनाव प्रचार में साथ दिखाई देने की खबरें भी सामने आ रही है। आपको बता दें JDU ने पहले ही यह साफ कर दिया था कि झारखंड चुनाव में प्रशांत किशोर JDU के स्टार प्रचारक होंगे। प्रशांत वहां पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ JDU के उम्मीदवार के लिए वोट मांगेंगे। ज्ञात हो JDU ने झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए फिलहाल 20 प्रचारकों की घोषणा की है, जिसमें नीतीश कुमार के बाद दूसरे नंबर पर प्रशांत किशोर का नाम है। पूर्णिया जाने वाले लोग इन पर्यटन स्थलों पर जरूर भ्रमण करने जाएं। पूर्णिया जाने वाले लोग इन मशहूर स्थलों पर भ्रमण करना ना भूलें। मारानी सटी मंदिर कस्बा, मां पुरान देवी मंदिर, काजा कोठी, पीर बाबा का मजार भवानीपुर, जलालगढ़ का किला, नरसिंह अवतार काली स्थान और माता स्थान आदमपुर जरूर घूमने जाएं। पटना से पूर्णिया जाने के लिए खुद की गाड़ी से सफर करने वाले यात्रियों को लगभग 8 से 9 घंटे का सफर करना होगा। वहीं ट्रेन से सफर करने वाले यात्रियों को लगभग 8 से 8.5 घंटे का सफर करना होगा। पटना से पूर्णिया बाई रोड की दूरी NH 27 से 303.6 किलोमीटर है। पप्पू यादव अब मांग रहे हैं वोट। जन अधिकार पार्टी के प्रमुख पप्पू यादव इन दिनों वोट अपील करने में जुटे हुए हैं। दरअसल पप्पू यादव इन दिनों बिग बॉस सीजन 13 में भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव को लेकर लोगों से खेसारी यादव को खूब सारे वोट की मांग करने के जद्दोजहद में जुट गए हैं। आपको बता दें खेसारी लाल को बिग बॉस के घर में घुसते ही बिहारी जनता का बिग बॉस की तरफ झुकाव बढ़ गया है। खेसारी लाल को TV पर देख दर्शक काफी ज्यादा उत्साहित हैं। रजिस्ट्रेशन से पहले छात्र इन बातों पर रखे खास ध्यान। बोर्ड ने साल 2019-20 के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। रजिस्ट्रेशन के दौरान छात्रों को कुछ खास बातों का ध्यान रखना होगा, जैसे कि रजिस्ट्रेशन फीस नियमित छात्रों के लिए 370 और निजी छात्रों के लिए 670 रुपए तय की गई है। वहीं अन्य बोर्ड से 10वीं पास करने वाले नियमित छात्रों के लिए 520 रुपए और अन्य बोर्ड की 10वीं परीक्षा पास करने वाले निजी छात्रों के लिए 820 रुपए की फीस निर्धारित की गई है। वहीं रजिस्ट्रेशन के दौरान लगने वाली फोटो का साइज 35 mm,
30 mm होना अनिवार्य होगा। वहीं फोटो JPEG फॉर्मेट में होना चाहिए। फोटो का बैकग्राउंड सफेद या हल्का हरा होना चाहिए। रजिस्ट्रेशन के लिए रंगीन फोटो ही देनी होगी, ब्लैक एंड व्हाइट नहीं। 4 बजे के बजाय 2:30 बजे ही स्कूल परिसर में लटका मिला ताला। बिहार में पढ़ाई की स्थिति बेहाल है, खासकर कि ग्रामीण इलाकों में पढ़ाई महज कमाने का जरिया बनी हुई है। हाल ही में मोतीपुर प्रोजेक्ट बालिका उच्च विद्यालय का एक वाक्य से बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा की परिस्थिति का अंदाजा लगाया जा सकता है। मोतीपुर के मोतीपुर प्रोजेक्ट बालिका उच्च विद्यालय में जिला शिक्षा पदाधिकारी निरीक्षण करने पहुंचे, जहां उन्हें विद्यालय में तालाबंद मिला, जिसके पश्चात जिला शिक्षा पदाधिकारी ने प्रधानाध्यापक समेत सभी शिक्षकों के वेतन पर तत्काल रोक लगाने का निर्देश दिया है। मांग नहीं मानी तो राजद होगी महागठबंधन से बाहर। उक्त बातें महागठबंधन के आक्रोश मार्च के दौरान एक मीडिया हाउस से बातचीत करते हुए हम प्रमुख जीतन राम मांझी ने कही। उन्होंने राजद और महागठबंधन को कड़ा संदेश देते हुए कहा है कि अगर राजद ने उनकी कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने की मांग नहीं मानी तो महागठबंधन से RJD को बाहर कर दिया जाएगा। मांझी ने साफ कहा है कि हम महागठबंधन में हैं और रहेंगे। BCA ने सौरभ गांगुली के नाम लिखा एक पत्र। BCA प्रमुख जगन्नाथ ने नवनियुक्त BCCI प्रमुख को पत्र लिखकर भेजा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि करीम BCA में रविशंकर प्रसाद सिंह के नेतृत्व वाले तबके के हितों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले भी उन्होंने भारत के पूर्व कप्तान को लिखे पत्र में COA को पहले लिखे गए कई ईमेल का जिक्र भी किया है, जिसमें उन्होंने BCA की प्रशासन व्यवस्था पर ध्यान देने की बात कही है। आपको बता दें, जगन्नाथ के इस पत्र की एक फोटोकॉपी IANS के पास भी मौजूद है। अब आइए जानते हैं मौसम का हाल। अरवल, सारण, दरभंगा, गया, किशनगंज, लखीसराय, मधुबनी, मुंगेर, पटना, पूर्णिया, बेगूसराय, भागलपुर, अररिया, बांका, शेखपुरा, सीतामढ़ी, जमुई, कटिहार, मधेपुरा, नालंदा, नवादा, सहरसा, समस्तीपुर, सुपौल, कैमूर में हल्की धूप और सुबह के वक्त धुंध के साथ ही ठंड का असर बढ़ेगा। वहीं मुजफ्फरपुर, खगड़िया, वैशाली, सिवान, रोहतास, औरंगाबाद, भोजपुर, बक्सर, ईस्ट चंपारण, गोपालगंज, वेस्ट चंपारण, जहानाबाद, शिवहर में भी दिन भर हल्की धुंध के साथ हल्की धूप के साथ मौसम सामान्य रहने के आसार हैं। महाराष्ट्र में चल रही राजनीतिक गतिविधियों पर नीतीश कुमार का बयान। महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगने के बाद पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि महाराष्ट्र में किसी भी पार्टी के पास स्पष्ट बहुमत नहीं था और न ही बहुमत के आंकड़े को पार करने के लेकर राजनीतिक दलों में आपसी सहमति बन पाई। ऐसे में वह राष्ट्रपति शासन लगाने के अलावा और कोई विकल्प नहीं बचा था। आपको बता दें, महाराष्ट्र में नतीजे के 18 दिन के बाद भी कोई भी पार्टी सरकार नहीं बना पाई, जिसके पश्चात राज्यपाल ने वहां 6 महीने के लिए राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया था। क्रिकेट से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे नए YouTube चैनल चक दे क्रिकेट को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आज की 25 खबरों में से आपको कौन सी खबर सबसे ज्यादा पसंद आई, ये कमेंट करके हमें जरूर बताएं। धन्यवाद।